अब बात हिमाचल के दंगल की करेंगे और आज की बात की जाए तो बागवान आज सचिवालय का घेराव करने वाले हैं। 5 अगस्त के लिए कहा गया था बागवानों की तरफ से सचिवालय का घेराव करेंगे। आम आदमी पार्टी और युवा कांग्रेस ने भी समर्थन का ऐलान किया है कि बागवानों का समर्थन आम आदमी पार्टी और युवा कांग्रेस भी करेगी अपनी 20 मांगों को लेकर प्रदर्शन पर। आज जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन ही होने वाला है। बागवान सेब के एमएसपी जैसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। जयराम सरकार के खिलाफ हालात बोलेंगे। इससे पहले अल्टीमेटम दे दिया गया था कि या तो बागवानों की समस्याओं को सुन लीजिए या मांग पूरी कर लीजिए, अन्यथा सचिवालय का घेराव करेंगे। और आज सचिवालय का घेराव यहाँ पर करने वाले हैं बागवान। समर्थन में आम आदमी पार्टी और युवा कांग्रेस भी आएगी, अपनी 20 मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले बागवानों की मांग थी कि ओपन मार्केट में भी जो जीएसटी बढ़ा है उसको कम किया जाए। हालांकि कैबिनेट की मीटिंग हाल ही में हुई और सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है कि अब बागवानों को ओपन मार्केट में भी बढ़ा हुआ जीएसटी नहीं देना होगा। इसके अलावा सब्सिडी खत्म की गई, तो इस तरह की राहत बागवानों को दी गई है और आज प्रदर्शन यहाँ पर करने वाले हैं बागवान। जीओटी विकास शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, अगर बात की जाए आज के प्रदर्शन की तो कितने बजे के करीब ये शुरू होगा? देखिए महिमा, क्योंकि ये लंबे समय से जो है आह्वान इस प्रदर्शन के लिए लगातार किया जा रहा था, हालांकि सरकार से संवाद जो है वो बागवानों का लगातार किया गया। इस तरह की बातें जो है वो बागवानों की तरफ से की जा रही है। संयुक्त किसान मंच के तरफ से जो है इसका आगाज यहाँ पर जो है वो किया है, आह्वान जो है वो किया गया है इस पूरे कार्यक्रम का, और एक बड़ी रैली का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। और ये कहा गया है बागवानों की तरफ से भी कि सचिवालय का घेराव जो है वो यहाँ पर रहेगा और शांतिपूर्ण ढंग से जो है इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए जो है वो बात कही गई है। और अपील भी यही है बागवानों की, जो अगर संयुक्त किसान मंच की तरफ से जो है वो लगातार ये बात कही गई है। पहले ही आह्वान जो है वो इस चीज का किया गया था। कई तरह की मांगे हैं, 20 सूत्रीय जो मांग पत्र है वो पहले ही सरकार को सौंपा गया है और आज 10:30 बजे जो है ये कार्यक्रम शुरू होगा। और प्रदर्शन के बीच में जो संजौली है, संजौली से लेकर छोटा शिमला तक जो है एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। बड़ा खलल इस बात को लेकर जरूर देखा जा सकता है क्योंकि आज मौसम जो है वो थोड़ा बेरुखी के साथ चल रहा है। येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। शिमला की अगर बात करें, तरह से धुंध के आगोश में शिमला शहर है। अभी तक फिलहाल सुबह से बारिश तो नहीं हुई, लेकिन आसार यही जताए जा रहे हैं कि 11 बजे के आसपास भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी की थी और पूरी तरह से बागवान जो है एकजुटता के साथ सोशल मीडिया या फेसबुक या तमाम जो सोशल मीडिया साइट है इसके जरिए लगातार आह्वान कर रहे हैं कि घरों से निकलिए और बागवानों के साथ जो मिलकर यहाँ पर एक मंच पर आना होगा, तभी मांगे जो है वो पूरी हो सकती हैं। ये कहा जा रहा है कि जीएसटी जो है उसमें जिस तरह से 18% लगाया गया था और उसके बाद 6% की बेशक इसमें कटौती जो है वो राज्य सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन वो भी नाकाफी है। और इसके साथ साथ जो इनपुट, लेकिन विकास यहाँ पे एक सवाल ये भी है क्योंकि देखिए जब बागवान प्रदर्शन करे तो उनकी तरफ से कहा गया था कि जीएसटी जो 6% बढ़ाया गया है, पहले तो सरकार ने हिमफेड और एपीएमसी जैसी मंडियों के लिए कम किया था, लेकिन अब सरकार की तरफ से क्योंकि कैबिनेट में मीटिंग हुई और उसमें बड़ा फैसला हुआ कि ओपन मार्केट में भी नहीं देना होगा, इसके बावजूद भी बागवान आखिर इस मांग को लेकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए किसान, जो संयुक्त किसान मंच है इसकी अगर बात माने, क्योंकि पिछले दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसके जरिए जो है पत्रकारों से वार्ता के दौरान ये बताया था कि क्या मांगे हैं। इसमें सबसे बड़ी मांग इनकी जो है वो 3-4 मांगे जो है वो आपको जल्दी से बताना चाहूंगा। जो जीएसटी लगाने से जो खाद है, बीज है, दवाइयां, कृषि औजार और जो कार्टन की कीमतें हैं खासतौर पर, वो भी 2 से 3 गुना यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। ऐसे में बागवान ये कह रहे हैं कि आज सेब की उगाही करना, क्योंकि देखिए 5,000 करोड़ के आसपास जो है ये सेब की इंडस्ट्री है और ऐसे में एक हिमाचल प्रदेश की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री जो है ये मानी जाती है, आर्थिकी में जो योगदान रहता है। ऐसे में हिमाचल सरकार की तरफ से बहुत सी चीजें जो है वो की गई है। राज्य सरकार लगातार दावा करती है कि बागवानों के लिए बहुत सी उचित योजनाएं यहाँ पर की गई हैं, लेकिन एमआईएस के तहत जो मंडी मध्यस्थता योजना है उसके तहत भी जो यहाँ पर लाभ किसानों को मिलना चाहिए था, उनकी मांग है, किसानों की, बागवानों की ये मांग है कि कश्मीर की तर्ज पर जो है ये सब कुछ होना चाहिए,
जीएसटी से बाहर जो है ये होना चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए, 100% बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि हिमाचल के सेब की जो कीमत है वो सही मिले, बागवानों को कीमतें जो है वो कम मिल रही हैं, लूट खसूट जो है वो यहाँ के आड़ती लगातार करते रहते हैं, ट्रक के ट्रक जो है वो यहाँ से गायब हो जाते हैं, इस तरह की आरोप जो है वो लगातार किसानों और बागवानों की तरफ से लगते रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से अब क्या रुख इसके ऊपर होगा, क्या जो मांगे ये मांग रहे हैं, क्या इसके ऊपर कुछ निर्णायक नीति जो है वो बन सकती है, फैसला जो है वो राज्य सरकार को लेना है, लेकिन किस तरह से आने वाले दिनों में परिस्थितियां रहेंगी। आज एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर रहेगा, 10:30 के आसपास जो है ये प्रदर्शन शुरू होगा, एक विशाल रैली का आयोजन होगा और हजारों की तादाद में जो किसान बागवान है उनको आज बुलाया गया है। अपर शिमला इलाके से जो बागवान हैं वो आज यहाँ पर पहुंचेंगे और जितने भी जो ये सेब बहुल जो क्षेत्र हैं, बड़े इलाके हैं, चौपाल है, कोठाई है, रोहडू है, चिड़गांव है या फिर ठियोग है, और इस तरफ से नारकंडा की अगर बात करें तो तमाम ये बड़े जो सेब बहुल जो क्षेत्र हैं आज यहाँ से बागवान शिमला पहुंचेंगे और विशाल रैली के जरिए जो है अपनी मांगों की बात जो है वो यहाँ पर। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास। तो फिलहाल आपको बता दें कि युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निगम भंडारी जी, आपका जनता टीवी पर स्वागत है। आज बागवान प्रदर्शन करने वाले हैं, सचिवालय का घेराव करेंगे और सुनने में ये भी आ रहा है कि आम आदमी पार्टी और उसी के साथ साथ युवा कांग्रेस भी उनका समर्थन करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज युवा कांग्रेस कांग्रेस पार्टी पूरा इसका समर्थन कर रही है और पूरे के पूरे प्रदेश भर से जो बागवानों के साथ प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से लगातार अन्याय कर रही है उसके खिलाफ आज सारे एकजुट होकर इनका विरोध करेंगे। जी। और बताना चाहूंगा कि इस बार जो सेफ सीजन है जुलाई के पहले सप्ताह और गत वर्षों के मुकाबले 15 दिन पहले ही शुरू हो गया है। जी निगम भंडारी जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी। लेकिन मैं आप बताना चाहूंगा, लेकिन हिमफेड और एचसीएमसी के गोदामों में अभी भी कार्टन ट्रे सहित पैकेजिंग सामग्री उपलब्ध नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हिमाचल में पहली बार ही इस प्रकार की जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही है बागवानों को। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ सुरजीत ठाकुर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं। सुरजीत ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है जनता टीवी पर। हमारे साथ युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार बने हुए हैं और उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि बागवानों का जो प्रदर्शन आज होने वाला है उसका समर्थन में युवा कांग्रेस उतरेगी। उसी के साथ साथ आपकी तरफ से भी कहा गया था कि आम आदमी पार्टी भी उनके समर्थन में उतरने वाली है और आप दोनों पार्टियों पर ही सत्ता पक्ष का ही आरोप है कि इस पूरे मसले पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग राजनीति करें, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, ये देखिए भाजपा हमेशा किसानों और बागवानों की विरोधी पार्टी है और जब भी इन्होंने कोई ऐसा कानून और वो लाए हैं तो ये इनके विरोध में लेके आए हैं। हमने कल भी बोला था और मैं आज भी ये बात बोलूंगा कि हमने इसमें हम लोग किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं करना चाहते। ये जो 20 सूत्रीय जो प्रोग्राम है इनका और जो बागवानों की जो डिमांड है, जो जायज मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, जबकि इन्होंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बागवानों को 30 से 35 रुपए का समर्थन जो मूल्य है मिलता है और यहाँ पे आप 10 रुपए दे रहे हो, तो क्या ये जम्मू कश्मीर क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? या फिर आप ये बोलो कि जो हमारा ये हिमाचल है ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? इस तरीके की जो बहुत सारी चीजें हैं आप ये लेके आए हैं पॉलिसी की हम लोग। हेलो, ठीक है, आप दोनों फिलहाल हमारे साथ जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। हरीश चौहान संयोजक संयुक्त किसान मंच भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश चौहान जी, आज बागवान प्रदर्शन यहाँ पर करने वाले सचिवालय का घेराव करेंगे, क्या रणनीति है, क्या मांगे सरकार से? देखिए सबसे पहले तो मैं जनता टीवी का धन्यवाद करता हूँ कि आप तो हमारी आवाज को जो है बुलंद कर रहे हैं और आज का जो तो हमारा ये मार्च है सचिवालय की तरफ, इसमें लगभग 10,000 से 15,000 बागवान जो है मार्च करेंगे, जो एक इतिहास होगा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में। और एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीतिक तो लोगों के राजनीतिक अलग अलग जो परिवेश है, लेकिन यहाँ पर जो है बागवानी के लिए सभी किसान बागवान जो है एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं और हमारा 20 सूत्रीय मांग पत्र सरकार के लिए है, जिसमें से कि सरकार ने कुछ
घोषणाएं की है, लेकिन जमीन पे अभी उसको उतारा नहीं है। लगभग 4 से 5 मांगे ऐसी है जिनकी सरकार ने घोषणा की है, लेकिन बाकी जो 15 हमारी मांगे हैं उस पर अभी चर्चा तक नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी से जरूर चर्चा हुई थी, लेकिन उस पर कोई आगे कार्य नहीं हुआ है। और आज जो है किसानों बागवानों ने राजनीति से ऊपर उठकर एक मंच पर आकर बात करने का निर्णय लिया है। और ये हिमाचल प्रदेश में लगभग 32 साल के बाद किसानों का एक इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। वो 1987 में एक ऐसा आंदोलन हुआ था और 1990 में हुआ था, और आज 32 साल के बाद फिर से किसान जो है यहाँ इकट्ठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि किसान ने अपनी आज ताकत दिखाने की मंशा जरूर बनाई है और हिम्मत की है अपनी आवाज उठाने की, ये हमारा कहना है। ठीक है, आपकी तरफ से एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर की गई कि राजनीतिक कोई मंशा नहीं है, मांग बागवानों की है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आज आम आदमी पार्टी और साथ ही युवा कांग्रेस भी आपका समर्थन कर रहे हैं, ये दोनों पार्टियां भी समर्थन करें, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो सबसे समर्थन मांगा है। हमने जितने राजनीतिक दल है, देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का सहयोग बहुत जरूरी है, और हमने तो सबसे मांगा है। हम तो जो रूलिंग दल है भारतीय जनता पार्टी, हमने तो अपनी प्रेस उनसे भी कहा है कि किसानों बागवानों के लिए आइए। और हिमाचल प्रदेश में 27 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहाँ से बहुल क्षेत्र है और 68 पैसे, और हमने तो सबसे आग्रह किया है, और जो हमारा सहयोग कर रहे हैं उनका धन्यवाद है। हम सबका धन्यवाद करते हैं जो हमारा सहयोग करें किसानों बागवानों का। और हमने इसमें जो है सभी दलों को जो है न्योता दिया है, सभी रिप्रेजेंटेटिव को न्योता दिया है, चाहे हमारे वो पंचायती राज के रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो विधानसभा के रिप्रेजेंटेटिव है, हमने सबको न्योता दिया है, चाहे वो रूलिंग पार्टी है उनको भी दिया है कि किसानों बागवानों के लिए आइए। ठीक है, जी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज बागवान यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले सचिवालय का घेराव करेंगे, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से।